हे गाइस यू आर ऑन पीएसवी इंग्लिश एंड मैं हाँ थोड़े नाल स्वयं आहूजा अज असी करन जा रहे हैं हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम। इस स्टोरी नू लिखिया है सुधा मूर्ति ने। बेसिकली इस स्टोरी दे विच सुधा मूर्ति ने एक टीचर ते स्टूडेंट दे रिलेशनशिप नू एलैबोरेट किया। इस स्टोरी दे विच सुधा मूर्ति खुद ही एक टीचर ने बैंगलोर दे एक कॉलेज दे विच। इस चैप्टर दे विच जिहड़े ऑथर ने सुधा मूर्ति वो स्टूडेंट ते टीचर दे रिलेशनशिप दे नाल नाल टाइम मैनेजमेंट दा एडवांटेज जिहड़ा वो भी सानूं सिखा रहे हैं कि अपने टाइम नूं मैनेज किवें करना है। हर चीज़ साडे लई जरूरी है, साडी पढ़ाई साडे लई किन्नी जरूरी है। अगर अज असीं लापरवाही करदे हाँ उसका नतीजा सानूं कल की भुगतना पै सकता है, वो इस स्टोरी दे विच दस रहे हैं सुधा मूर्ति। इस स्टोरी दे विच हुंदा की है कि बैंगलोर दे कॉलेज दे विच मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस MCA दे स्टूडेंट्स नूं कंप्यूटर साइंस पढ़ाते थे सुधा मूर्ति। उन्होंने कई जड़े स्टूडेंट थे उन्होंने नाल मेलजोल हों रहा। उन्होंने हूँ एक जड़ा स्टूडेंट उन्होंने बारे उन्होंने कुछ याद जी इतने साझी करते हैं। वो कह रहे हैं कि वो जो मेरा स्टूडेंट से वो बाकी दूजे स्टूडेंट्स नालों अलग ही सी। एक तो वो उन्होंने पहले बैच में एक बहुत ही इंटैलीजेंट लड़का से जिसका नाम हसन से हम उस बारे दस रहे हैं। वो एक लंबा सुंदर तो उसकी जी याददाश्त थी वो बहुत ही ज़्यादा वधिया सी। वो अपने माता पिता का इकलौता लड़का सी। नरेटर इत्थे उन्हां दी जिहड़ी क्लास है उन्हां दे विच जिहड़ी उहदी अटेंडेंस रहिंदी सी हसन दे बारे उहदे बारे दस रहे ने। कहिंदे ने कि उस दे जिहड़ी अटेंडेंस सी क्लास दे विच बहुत घट आया करदी सी। जिस दिन कोई क्लास टेस्ट होना या कोई एग्जाम होना उस दिन ही थोड़ी देर उसने दिखाई देना, अगे पिछे तो दिखता ही नहीं सी। नरेटर नाल उसकी मुलाकात ज़्यादातर अटेंडेंस शॉर्टेज मीटिंग्स के उपर हुंदी सी जिस विच जिन्ना बच्चों की अटेंडेंस घट होया करती सी उन्होंने नाल एक मीटिंग होंगी सी। तो हुण वो बहुत ही वधिया तरीके दे नाल अपनी अटेंडेंस जिहड़ी उहदी घटी हुंदी सी उसनू पूरा करन लई नरेटर नू रिक्वेस्ट करता हुंदा सी। नरेटर उसनू कदे भी ना नहीं करती सी। वो क्यों नहीं करती सी? वो इसलिए करदा इसलिए नहीं कर पाती सी ना क्योंकि वो माफ़ी ही इस तरीके नाल मंगदा सी कि नरेटर उन्हें ना ही ना कर पा। इतों सानू पता लगता कि जिहड़ी नरेटर बहुत दयालु सी। वो नरेटर उहदी इरैगुलरिटी नूं अनियमितता नूं पसंद नहीं सी करदी पर वो ये भी नहीं सी चाहती कि वो घट अटेंडेंस होने कारण एग्जाम विच ना बैठ सके ते अगले सेमेस्टर विच या अगली क्लास विच ना जा सके। हसन वैसे बहुत इंटैलीजेंट सी एग्जाम विच फर्स्ट क्लास लैंदा हुंदा सी पर वो उसकी नियमित प्रैक्टिस नहीं सी करदा हुंदा ते इस कारण उहदी जिहड़ी अटेंडेंस सी उह घट रह जांदी सी। नरेटर उसकी अटेंडेंस की इस प्रॉब्लम तो तंग आ चुकी सी। उसने एक बार उसके माता पिता नूं कॉलेज विच बुलाया उन्होंने कहा कि वह अपने बेटे दे बिहेवियर नूं सुधारन। हुण वो इस तरह करन दे विच बेबस सन उन्हें इसी कर सकते। हसन के माता ने तो उन्होंने नरेटर यही कह दिता कि हसन सारी रात जिहड़ा वो गाना ही सुनता रहिंदा अपने दोस्तों नाल चैट करता रहिंदा इस सब दे विच बिता दिंदा तो बेचारा सवेरे 6 बजे सोंदा। 6 बजे सोवेगा हुण उठेगा किदा? इस कारण वो अपनी क्लास दे विच आ ही नहीं सकता। हसन अपने इस तौर तरीके नाल चलता सी। हुण फिर भी वो इदा अपना लास्ट टाइम के उपर कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के इंपोर्टेंट चीज़ें पढ़ के फस्ट क्लास के नाल पास हो जाता। तो वो नरेटर का थैंकफुल सी क्योंकि नरेटर उसकी जी अटेंडेंस उसको पूरा कर देंगे। हसन नरेटर तो हम जो विदा लेंदा जान लगे तो नरेटर हसन नू बहुत देर तक नहीं देखती सी। तो हुण हसन जिहड़ा जान लगे नरेटर तो जो कॉलेज उहदा खत्म हो जाता फस्ट क्लास नाल पास हो जाता हसन तो जो कॉलेज छड्डन लगता तो नरेटर नू बाय करके जाता। तो हुण हसन दे कॉलेज छड्डन तो बाद काफ़ी साल बीत जाते तो एक दिन एक आदमी नरेटर नू मिलन आता है। दोपहर तो बाद दा समा सी नरेटर उस आदमी नू पहचान ना सके। वो आदमी कुछ 35 साल दा सी, वो मोटा सी, उसका सिर गंजा सी, उसके हाथ में एक सॉफ्टवेयर की सीडी भी सी। नरेटर उसनू पहचान ना सके। उस आदमी ने कहा खिड़की तो तुसी बाहर दुनिया नू देख सकते हो
पर बाहर तो तुसी ये नहीं दे सकते कि खिड़की दे अंदर की चल रहा है। नरेटर लाइन कहती होंगी सी, नरेटर वैसे आ लाइन जी इंग्लिश कहती होंगी सी, इंग्लिश उत्ते अगर एग्जाम में लिखोगे तो लिखोगे फ्रॉम अ विंडो यू कैन सी द आउटसाइड वर्ल्ड बट फ्रॉम द आउटसाइड यू कैन नॉट सी ऑल दैट इज इनसाइड। तो इस फ्रेस में लिखोगे कि जदों हसन मिलिया तो उसने केड़ा फ्रेस अपने जो टीचर के सामने बोलिया सी, ते तुसी आ वाला फ्रेस उत्ते लिखोगे। तो हुण उसने जो आ फ्रेस किया तो नरेटर ने अपनी क्लास में इस फ्रेस का यूज किया होगा, उसने पूरा यकीन हो गया कि उसकी क्लास में पढ़िया हुआ स्टूडेंट से। हसन ने कहा कि वह हमेशा देर ना आने वाला स्टूडेंट से, उसनू नरेटर नू चट पता लग गया कि वह हसन से। नरेटर नू पता सी कि उसके सारे जेडे भी क्लासमेट से वह अपने लाइफ दे विच तरक्की कर रहे सी, वह अमीर हो चुके सी, ते उसका विचार सी कि हसन ने भी बहुत तरक्की कर ली होगी, पर वह एक मामूली नौकरी कर रहा सी। उस स्कूलों विच कॉलेजिस दे विच कंप्यूटर दे सॉफ्टवेयर बेचता हुंदा सी। हसन ने फिर नरेटर नू दस्या कि वह कॉलेज में बहुत अनियमित रहिंदा सी, उसने अनियमित होकर पढ़ाई की, तो उसकी ये आदत ग्रेजुएशन तो बाद भी बनी रही। वह बहुत देर ना सो के उठता हुंदा सी, वह बहुत आलसी सी, उसकी माता उस पर गुस्सा कर दी, पर उसने कदे परवाह नहीं की। उन्हें नौकरी की पर दफ्तर में देर ना जान कारण उसकी इस जड़ी नौकरी सी वह भी छुट गई, वो एक जिम्मेवार आदमी नहीं सी। कॉलेज में भी वह बेपरवाह सी, वह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके एग्जाम में बैठ जाता, फस्ट क्लास के नाल पास हो जाता। अक्सर उन्होंने लोगों का मजाक करता सी जिहड़े मेहनत करते सी, उन्होंने नर्ड्स कहता सी, नर्ड्स NURDS नर्ड्स कहता हुंदा सी। अज उसके मेहनती जिहड़े क्लासमेट सी वह अमीर बन चुके सी, पर उसनू जिहड़ी भी नौकरी मिलती सी वह उसके हाथ तो निकल जाती सी। कोई भी उसनू नौकरी तो रखना नहीं चाहता सी, एक दे बाद दूजी नौकरी, दूजे दे बाद तीजी नौकरी उसके हाथ तो निकल दी। नरेटर ने हसन नू कहा कि वह निराश ना होवे, उसने ये भी कहा कि आदमी लड़ाई बेशक हार सकता है पर युद्ध विच जित उसकी जरूर होंगी। फिर हसन ने नरेटर नू कहा कि पुरानी आदत आदमी नू कदे नहीं छड़दी। नरेटर ने हसन नू कहा पुरानी आदत बदलियां जा सकदियां हन, कोई इस तरह का काम नहीं जेड़ा इंपॉसिबल हुंदा। उसने फिर कहा कि श्रेष्ठता या विशिष्टता संयोग वश नहीं आती पर मेहनत दे नाल आती। नरेटर के शब्दों के नाल हसन बहुत उत्साहित हुंदा है, तो उसने वादा किया, उसने प्रोमिस किया कि वह जीवन में तरक्की करने की पूरी कोशिश करेगा। फिर हसन ने नरेटर तो विदा ले उसने बाय कहा, तो इस मुलाकात के बाद नरेटर हसन नू कदी भी मिल नहीं पाए। उसनू आशा सी कि जब वो उसनू मिलेगा वो उसनू खुश और सफल देखेगा। ये स्टोरी सी एक टीचर दी एक स्टूडेंट दी। आशा करना हाँ कि तुहानू वो स्टोरी समझ आ चुकी है। इस दे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिहड़े ने साडे चैनल PSEB इंग्लिश दे उत्ते ऑलरेडी अपलोडेड ने, इन्हां दा लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन दे विच भी मिल जाएगा एंड आई बटन दे उपर भी मिल जाएगा। लाइक करना ना भुल्यो, सबसक्राइब करियो, बैल आइकन नू प्रेस करियो, अपने दोस्तों नाल भी शेयर करियो। देखने लई धन्यवाद।